हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वैक्सीन लगाने के बाद हमको हो गया फीवर। आशीष और मेरे को फीवर हो गया था बहुत तेज अचानक से। मतलब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमें फीवर होगा, बस बॉडी पेन हो रहा था। और रात को जैसे हम सुबह सो के उठे और आपके जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगता है उस दिन तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, बट उसके दूसरे दिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया उस हाथ में। तो हाथ में आपको दर्द होता है और आपको बॉडी पेन होता है, आपको फीवर आता है। तो 12 घंटे बाद इसका असर हमें दिखाई दिया अपने ऊपर। 12 घंटे से पहले बिल्कुल भी बस ये था, शरीर दुख रहा था। 12 घंटे से पहले ना तो हाथ में दर्द हुआ और ना ही फीवर आया। तो जैसे ही 12 घंटे हुए उसके, जब हम सुबह सो के उठे तो हमारे हाथ में भी बहुत तेज दर्द हुआ और फीवर भी आना स्टार्ट हो गया हम दोनों को। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग जाएं वैक्सीन लगाने तो घर के सब लोग मत जाना, एक को घर में रखना, बारी बारी से लगाना। तो जैसे कि आशीष और मैंने इकट्ठे ही लगा दिया तो हम दोनों ही बीमार हो गए। तो फिर काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी, हमने बहुत मुश्किल करके किया काम को और खड़े होने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब फीवर होता है तो आपका उठने बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बस ऐसा रहता है कि पड़े रहो। तो यही होता है। तो प्लीज़ सब लोग मत लगाना, एक किसी को घर में छोड़ देना, उसके बाद आप लोग बारी बारी से लगवाना। तो फीवर इसका ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आपको बस 1 या 1.5 दिन रहेगा और 12 घंटे के बाद आएगा। तो प्लीज़ सब लोग इकट्ठे मत लगाना। तो फिलहाल अभी हम लोग ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और घबराना भी मत कि फीवर आ रहा है, कुछ नहीं होगा, बस फीवर तो आता ही आता है, क्योंकि जैसे आप छोटे बच्चे को जब इंजेक्शन लगता है तो उसको फीवर आता ही है, तो इसमें सिम्टम तो थोड़े आते ही हैं। तो आज मैं सो के जल्दी उठ गई थी, आशीष लेट उठे, आशीष मुझसे पहले उठ जाते थे और दिन, तो आज मैं ही पहले उठ गई। फिर उसके बाद मैं नहाई धोई, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। तो अभी आशीष जा रखे हैं दुकान में कुछ सामान लेने एंड अभी वो आएंगे, तो उसके बाद हम आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे और आज बंदर नहीं आया। तो मौसम काफ़ी दिन से ख़राब हो रखा है बट बारिश बिल्कुल नहीं आ रही है। कल भी धूप नहीं आई ठीक से, परसों भी धूप नहीं आई, बट ये था कि परसों शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ मंडे को, बट अभी बारिश नहीं हो रही है। कल भी बारिश नहीं हुई, कल तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि बारिश हो सकती है बट बारिश नहीं हुई। आज भी मौसम हो रखा है एकदम ठंडा और बिल्कुल भी धूप नहीं है। अभी सुबह आई थी हल्की सी, तो देखते हैं कि अब तो आज बारिश हो जाए। आज के व्लॉग में प्लीज़ नीचे कमेंट्स करना आप लोग कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो जितने व्यूज़ आते हैं उतने कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, कमेंट बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो जो वीडियोज़ देखते हो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो और कहाँ कहाँ रहते हो, तो हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ नीचे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना कि आप लोग कहाँ से हो। यो गाइस, यो क्या आता है, यो गाइस। तो ये है मेरे पति परमेश्वर, आपके चरण पे मुझे आपको पैर छूने आशीर्वाद। ये सिर्फ कैमरा तक सीमित नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि बाहर मौसम हो रखा था बारिश का और कितनी तेज धूप आ गई, आप लोग देख ही सकते हो। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं आशीष क्या कर रहा है। यहाँ देखिए, वाह वाह, गेम इनका आजकल हो रहा है। सुबह उठ के गेम, रात को गेम, शाम गेम, क्या है? तूने खुद बोला था एक गेम खेल लेना, ठीक है? जब भी मैं आता हूँ ड्यूटी पे ये छोड़ते नहीं मोबाइल को, आधे एक घंटे तक लगी रहती है। कितना झूठ, कहाँ जाओगे, इतना झूठ बोला, इतना पाप करके, इतने पाप। तूने खुद बोला था कि नहीं बोला था एक गेम खेल के जाने? मैंने तो गाइस, मैंने इनसे सिर्फ ये कहा था कि जब आप जाओगे उसके थोड़े टाइम पहले जब मैं आपको बोलूंगी आप एक गेम खेल के जा लेना। तो आजकल ये पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं, आज सुबह भी उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की। मैं बताती हूँ सबको सच क्या है, मैं प्रॉपर बताऊंगी, आप आधी अधूरी बात। आधी अधूरी नहीं, मैं जो सच बोलता हूँ मैं बताती हूँ। हाँ। मैं गेम तब खेलती हूँ जब आप रहते हो ड्यूटी पे। नहीं, जब मैं आ जाता हूँ उसके एक आधे घंटे तक भी गेम पे चिपके रहते हैं। बीच मैच के बीच आ जाते हो ना, इसलिए मैं गेम को पूरा क्लियर करती हूँ। पूरा नहीं, गेम खत्म हो जाता है ना, तो ये इसकी टीम के सारे मेंबर भी अगर मर जाते हैं ना, तो तब भी ये दूसरे गेम खेलती रहती है। मैं इनको इसलिए गेम नहीं खेलने देती, मैं फिर भी खेलने देती हूँ। अभी आपने गेम खेला ना, तो तूने खुद बोला था ना एक मैच खेल लियो, मैंने एक ही मैच खेला। हाँ, तो मैं ज्यादातर इसलिए, तो मैंने एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने एक, आप मेरे साथ रहने के बावजूद भी गेम खेलो ना, तो जब मैं आ जाता हूँ मैं तेरे साथ रहता हूँ फिर भी तू गेम पे खेलते रहते। आज नहीं खेलूंगी फाइनल ना, तो मैंने कभी ऐसा कहा कि एक ही मैच खेलना है उसके बाद नहीं खेलना? तो यार फिर हमारा टाइम नहीं रहता, मैं इसलिए बोलती हूँ। अच्छा, नहीं इसको जब दूसरा बंदा गेम खेले ना, फिर आप, आपकी प्रॉब्लम है ना, इसको इसको दूसरा बंदा गेम खेले तब इसको टाइम समझ में आता है, लेकिन जब भी कुछ चिपके रहते हैं इसको टाइम का पता नहीं चलता। ऐसे आपको बोलना चाहिए, नहीं आता ऐसे। देखो गाइस,
नाराज होके बाहर चली गई है। बाहर धूप है आज। हाँ तो जल्दी आ अंदर, अंदर आ जल्दी। तो गाइस अभी निक्की गुस्सा हो गया मुझसे कि मैं उसको टाइम नहीं देता और गेम पे चिपका रहता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, गेम से बढ़कर वो है मेरे लिए। उसे लगता है कि मैं उसको टाइम नहीं देता, हम टाइम साथ में स्पेंड नहीं करते और मैं गेम खेलता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो अभी उसको मनाना पड़ेगा। अंदर आ जा, बाहर बहुत धूप है, आ जा। मैं आऊंगा तुझे ले, अंदर नहीं आ रही है, देख बाहर इतनी गर्मी, आ जा चल नहीं खेलूंगा गेम, जैसे तू बोलेगी वैसे ही करूं। क्यों खींच रहे हो? मैं नहीं कर रही बात। क्यों नहीं कर रही? आप ऐसे करते हो। नहीं करता। तो ये मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब जब मैं बोलूंगी सिर्फ तभी गेम खेलूंगा मैं गेम, और जब जब मैं बोलूंगा ये भी तभी खेलेंगे, जब मैं नहीं रहूंगा तब खेल सकती है। जब ये नहीं रहेंगे तो मैं गेम खेलूंगी, और जब ये आ जाएंगे मैं नहीं खेलूंगी, और जब मैं बोलूंगी तब खेलेंगे ये। ऐसे खेलेंगे पक्का? डन, पक्का डन, लिख के दे दूं? हाँ, तो मैं तब गुस्सा नहीं होऊंगी अगर आप ऐसे करो। पर ना मेरे को ये रहता है कि जब ये साथ में रहते हैं और मैं बैठी रहूँ इनके सामने और ये गेम खेले तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और ऐसे भी होता है गेम में कि अगर कोई बंदा उसी में खो जाता है तो मैं चिल्लाती हूँ, कुछ बोलती हूँ, सुनते नहीं, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। परसों क्या हुआ था, मैं गेम खेल रहा था और चूल्हे में गैस में कुछ रखा हुआ। तो परसों क्या हुआ, जैसे ही मैं नहाने गई, मैंने सब्जी चढ़ा रखी थी चूल्हे में, मैंने इनको बस इतना बोला था कि आप सब्जी देख लेना और गैस बंद कर देना पक जाएगी। लेकिन मैं गेम खेलने लग गया और इनका ध्यान ही, और इन्होंने बंद ही नहीं किया, आधे घंटे तक गैस चालू रह गई। और भाई जैसे मैं आई वो सब्जी ना इतनी की इतनी सी हो गई। अच्छा, वो जली नहीं? तो इसलिए मुझे गुस्सा आता, जलती तो नहीं पानी वाली थी ना, तो ऐसे मतलब, पर ये था कि गेम में आदमी खो जाता है, पता नहीं चलता है। तो इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि जब मेरे साथ है तो गेम मत खेला करो। ठीक है, तो अभी टाइम हो चुका है मेरे जाने का, 1 बजे चले जाते हैं। तो सुबह से हमारी बस आज यही बहस होती रही गेम के चक्कर में। अब फिर इसके मजे हैं ये फिर से गेम पे चिपकी रहे। तो आपको बस ना होटल जाके यही मन में रहता होगा काश गेम खेलूंगी, बट क्या हो गया बाबू, आप जब हाँ, आप भी तो चाहते कि मेरा टाइम पास हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, गेम खेल ले और मूवी वगैरह, गेम से बढ़िया मूवी देख लिया करना। मैं गेम खेलूंगी, पर मैं इतना नहीं खेलती, जब सिया आती है 1-2 गेम खेलते हैं हम दिन में। हाँ, तो सिया के साथ खेल ले, कोई दिक्कत नहीं, और लंच कर लेना। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। गाइस अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आप तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कमेंट क्या करें, लाइक क्या करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम है ashu.negit23। और ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, कौन फॉलो करना मुझे, फॉलो इसके फॉलोअर काफ़ी बढ़ रहे हैं, मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ठीक है, तो मुझे भी फॉलो करो और लाइक करना मत भूलना। मैं हूँ छत में और अभी धूप पूरी तरीके से गई नहीं है, जबकि 6 बज चुके हैं और अभी हल्की हल्की धूप है, जाने वाली है, मतलब वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सूरज डूबने ही वाला है, हल्की सी धूप है, तो यहाँ पे है अमरूद का पेड़, यहाँ से आते हैं बंदर, इसलिए आजकल मैं इस छत में नहीं आ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, बंदर कहीं से भी टपक सकता है। और एक अमरूद है उधर, तो मैं उधर ही रहती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ आएगा तो पता चल जाएगा, बट यहाँ पर आ गया तो मुझे भागने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ कमाती हूँ। और मैंने दिन में रेस्ट किया थोड़ा सा और फिर उठी, तो मैंने सोचा थोड़ा छत में चलती हूँ, तो मैं छत में आ गई हूँ। तो फिलहाल गाइस आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको व्लॉग थोड़ा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलते हैं एक और नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।